तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो से। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपके पास आईटेल 555 प्लस मोबाइल है दोस्तों, आप उसमें स्क्रीन लॉक बटन रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं दोस्तों। अभी आप हमारे मोबाइल में देख पाए पैटर्न लॉक पड़ा हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पैटर्न लॉक हटाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी। आपको सिंपली सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा स्क्रीन लॉक, आपको सिंपली उसी पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने पर जो आपने स्क्रीन लॉक बटन डाला है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा नोन का, आपको सिंपली नोन वाले पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीट, आपको सिंपली डिलीट वाले पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में सक्सेसफुली स्क्रीन लॉक बटन हट चुका है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल में बिना किसी लॉक के दोस्तों। इस तरह से आपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक बटन रिमूव कर पाएंगे। वीडियो सुनने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठे के मिलेंगे वीडियो में।